नमस्कार, मैं हूं आयुष कुमार और आप सभी का स्वागत है टीवी 45 के इस खास पेशकश में। धनबाद में धड़ल्ले से कोयले का अवैध खेल जारी है। कई इलाकों में कोयले के अवैध व्यापार हो रहे हैं, धड़ल्ले से काला व्यापार चलाया जा रहा है। हम लगातार कई इलाकों की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बीते दिनों हमने आपको 30 अगस्त को दिखाया था कि किस तरह बरवाड्डा के बड़ा पिछड़ी में कोयले का काला खेल चल रहा है। यहां पर दो भाई मिलकर कोयले का अवैध व्यापार कर रहे हैं। दिखाते हैं इस खबर की एक छोटी सी क्लिप। धनबाद शहर जो कोयले के लिए जाना जाता है, लेकिन इन दिनों कोयले की लूट मची है। धनबाद के कई इलाकों में कोयले के अवैध व्यापार हो रहे हैं, धड़ल्ले से काला व्यापार चलाया जा रहा है। हम लगातार कई इलाकों की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अब हम आपको बताते हैं बरवाड्डा के बड़ा पिछड़ी में चल रहे काले खेल के बारे में। दरअसल यहां पर तीन लोग मिलकर डिपो चला रहे हैं। यहां अवैध कोयले का व्यापार होता है। अवैध कारोबार करने वाले हैं विशाल चौधरी, दिलीप चौधरी, और ये दोनों आपस में भाई लगते हैं। वहीं बंटी सिंह इस अवैध कारोबार में इनका पार्टनर है। ये लोग पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर यह सारा कारोबार करते हैं। इस डिपो से हजारों टन कोयले का अवैध व्यापार हर रोज हो रहा है। यहां से दूसरे प्रदेशों में अवैध तरीके से कोयले को भेजा जाता है। इनके खिलाफ अगर आवाज उठाई जाती है तो फिर धमकी मिलने का सिलसिला शुरू हो जाता है। हम जो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं वो इनके उसी डिपो की है जहां से कोयले का अवैध कारोबार हो रहा है, और सरकार को लाखों करोड़ों के राजस्व का चूना लगाया जा रहा है। अब हम आपको ग्राफिक्स के माध्यम से समझाते हैं कि आखिरकार ये जो लूट मचा है इसके पीछे कौन कौन से लोग हैं। कोयले का काला कारोबार, बड़ा पिछड़ी में अवैध कोयले का कारोबार चल रहा है, धड़ल्ले से चल रहा है अवैध कोयले का कारोबार। दो भाई विशाल चौधरी और दिलीप चौधरी मिलकर कर रहे हैं यह धंधा। एक और नाम सामने आ रहा है, नाम है बंटी सिंह। इस काले कारोबार में इनका पार्टनर है। तीनों मिलकर खुलेआम कर रहे हैं कोयले का अवैध कारोबार। साइकिल हो, स्कूटर हो और मोटरसाइकिल हो, तीनों पर कोयले लादकर लाए जाते हैं और यहां गिराया जाता है, जिसके बाद ट्रकों में भरकर अन्य प्रदेशों में भेजा जाता है अवैध कोयला। हर दिन हजारों टन अवैध कोयले का कारोबार स्थानीय नेताओं और समाज से कारोबार चलता है। स्थानीय नेताओं और समाज सेवियों ने कई बार शिकायत तो की, लेकिन शिकायत करने वालों को मिलती है दबंगों की धमकी। इन्हें अवैध कारोबार का लाइसेंस आखिरकार किसने दिया? सवाल है बड़ा, इन्हें अवैध कारोबार का लाइसेंस किसने दिया? किस तरह होता है ये सारा अवैध कारोबार? बड़ा पिछड़ी इलाके में, जो कि बरवाड्डा में आता है, बड़ा पिछड़ी इलाके में कौन कौन कर रहा है काला कारोबार, खुलासा करेंगे अगली कड़ी में। इस खबर को दिखाने के बाद हमने उम्मीद की थी कि ठोस कार्रवाई होगी और इन पर शिकंजा कसा जाएगा, लेकिन ये अवैध काम आज भी बदस्तूर जारी है। आज हम आपको बताते हैं बरवाड्डा के बड़ा पिछड़े स्थित इस डिपो के कुछ और राज। यहां पर तीन लोग मिलकर डिपो चला रहे हैं, ये हमने आपको पहले भी बताया था। यहां अवैध कोयले का व्यापार होता है। अवैध कारोबार करने वाले हैं बंटी सिंह, जिनका यह डिपो है। वहीं इस कारोबार में इनके पार्टनर हैं विशाल चौधरी और दिलीप चौधरी। ये दोनों आपस में भाई लगते हैं। दिलीप चौधरी एक राजनीतिक दल से जुड़े हैं, इनकी पत्नी जिप की सदस्य भी हैं। जाहिर सी बात है इस रुतबे का फायदा ये अपने कारोबार में ले रहे हैं। इस कारोबार में एक ट्रांसपोर्टर की संलिप्तता भी है, जो अवैध कोयले की ढुलाई में अपनी गाड़ी मुहैया कराता है। उसी की गाड़ी से यह सारा अवैध कारोबार किया जाता है। यहां रात नहीं बल्कि दिन के उजाले में भी ढुलाई होती है। हमारा सवाल है कि आखिर माइनिंग विभाग क्या कर रही है? CISF कहां है? हमने खबर दिखाई तो भरोसा किया कि इस अवैध कारोबार पर लगाम लगेगा, लेकिन न ही खनन विभाग को इससे मतलब है और न ही CISF को। धनबाद जिला का खनन विभाग चादर तान कर सोया हुआ है।
जाहिर सी बात है, जब अपनी जेब गर्म हो रही है तो सरकार के राजस्व से क्या लेना देना भाई। सबसे बड़ी बात यह है कि स्थानीय लोगों ने कई बार खनन विभाग को सूचना दिया इस अवैध कारोबार के बारे में, लेकिन खनन विभाग के इंस्पेक्टर राहुल कुमार ने इस ओर ध्यान ही नहीं दिया। अब खनन विभाग ने कार्रवाई क्यों नहीं की, यह तो आप समझ ही रहे होंगे। ये लोग पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर ये सारा कारोबार करते हैं। इस डिपो से हजारों टन कोयले का अवैध व्यापार हर रोज हो रहा है। यहाँ से दूसरे प्रदेशों में अवैध तरीके से कोयले को भेजा जाता है। इनके खिलाफ अगर आवाज उठाई जाती है तो फिर धमकी मिलने का सिलसिला शुरू हो जाता है। कि आखिरकार बरवाड़ा के बड़ा पिछड़ी में कैसे यह काला खेल चल रहा है। जितना काला कोयला उतना काला ये खेल है। ट्रक संख्या यूपी 50 सिटी 1669, इसमें लादा जा रहा था अवैध कोयला। हम जो तस्वीरें आपको दिखाने जा रहे हैं वो इनके उसी डिपो की है। आप तस्वीरें देखिए और समझिए जहां से काला खेल चल रहा है। यहां कोयले का अवैध कारोबार हो रहा है और सरकार को लाखों करोड़ों के राजस्व का चूना लगाया जा रहा है। आप देखिए तस्वीरों में कैसे स्कूटर हो, साइकिल हो, मोटरसाइकिल हो, उस पर लाद कर कोयले पहुंचाए जाते हैं। सिर्फ तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं कि ये बरवाड्डा के बड़ा पिछड़ी में जो डिपो है बंटी सिंह का, वहां आखिरकार कोयला कैसे पहुंचाया जाता है। देखिए ये ट्रांसपोर्टर का ट्रक यूपी 50 सिटी 1669, ये गाड़ी का नंबर है जिसमें ये साले जो सारे कोयले हैं वो लादे जाएंगे। आप तस्वीरें देखिए कैसे जान जोखिम में डालकर मोटरसाइकिल पर ओवरलोड कोयला पहुंचाया जाता है। और सब के मास्टरमाइंड है बंटी सिंह, विशाल चौधरी और दिलीप चौधरी। और इस पर और भी बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी विकास लगातार बने हुए हैं। विकास, हमने पिछली बार 30 अगस्त को जब इन तीन लोगों के बारे में, विशाल चौधरी हो, दिलीप चौधरी हो या फिर बंटी सिंह हो, खबर दिखाई तो हमने उम्मीद थी कि खनन विभाग के कान पर जू रेंगेगी और जो सोए हुए हैं वो कुंभकर्ण इस बार जागेंगे, लेकिन हमारी उम्मीद बेकार थी क्योंकि खनन विभाग के कर्मचारी अधिकारी अब भी सोए हुए हैं और सीआईएसएफ की तो बात ना ही करें तो बेहतर होगा। जो तस्वीरें निकल कर आई हैं विकास, ये बहुत कुछ बयां कर रहे हैं। आप जमीनी स्तर पर चीजों को देखें, पहले बताएं कि आखिरकार खेल कैसे चल रहा है और खनन विभाग इसमें क्यों सोई हुई है। देखिए आयुष, अगर हम बड़ी पिछली अवैध कोयला की अगर हम बात करें तो पिछले बार भी हम लोगों ने खबरें दिखाई थी यहाँ की और हमने उम्मीद जताई थी कि शायद खनन विभाग जो है इस पर कार्रवाई करेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। ऐसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि खनन विभाग साहब को और वहां से उनका जो रेट है वो बढ़ गया और उनकी जो डिमांड है वो बढ़ गई कि इतना डिप्रेशन है, इतना प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, न्यूज चैनल वाले लोग चला रहे हैं, इतने में मैनेज नहीं होगा, आपको और देना होगा। तो उनका जो रेट है वो और बढ़ गया। कुल मिला के कहा जाए कि उनके अवैध कोयला कारोबार के करने के लिए उनको और हिम्मत मिल गया और उसके अवज में जो कारोबारी है, जो कोई अवैध कोयला के कारोबारी है, जो चौधरी ब्रदर्स और बंटी सिंह, उनके तरफ से कह सकते हैं कि जो माइनिंग इंस्पेक्टर राहुल कुमार है उनको मोटा चढ़ावा चढ़ने लगा है। तो अगर हम बात करें कि वहां मतलब तक जब माइनिंग इंस्पेक्टर राहुल कुमार जो है वो आपदा में अवसर ढूंढ लिए हैं।
विकास, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने कि उन्होंने आपदा में अफसर को तलाशा है और आपदा में अफसर को ऐसा तलाशा है कि उनके उनके पास अब जो है मोटी चढ़ावा चढ़ने लगी है। अगर हमने अगले बार भी कहा था, पिछले ही बार कहा था हमने आयुष कि हम जब आए दूसरी कड़ी को लेकर के पार्ट टू आएंगे उसमें हम खुलासा करेंगे। देखिये जब हम लोग जब यहाँ से हमने चलना शुरू किया था कि हम वहाँ के तस्वीरें दिखाएं तो हम पहले जैसे जैसे जाते गए वहाँ पे साइकिल पे पूरी भारी भरकम जो है कोयले को लोड कर लिया गया था, मतलब ओवरलोडेड जबरदस्ती उसको खींचा जा रहा है। उसके बाद मतलब धीरे धीरे रास्ते में बढ़ते गया एकदम कई साइकिल दिखी हमें और उसके बाद जब वहां पर हम लोगों ने पहुंचा तो एक ट्रक दिखाई दिया, ट्रक का नंबर भी था वहां पर बकायदे। तो मतलब दिन के उजाले की हम बात कर रहे हैं, सोच लीजिए कि अवैध कोयला का कारोबार आए दिन हम सबको दिखाते थे कि रात के अंधेरे में होता है, लेकिन ये दोनों चौधरी ब्रदर्स और बंटी सिंह जो है इनके इनके हिम्मत का देख लीजिए कि ये लोग किसी की नहीं सुनते हैं, इन्हें किसी की डर नहीं है और डर इसलिए नहीं है क्योंकि खनन विभाग का इनके ऊपर आशीर्वाद है और ये दिन के उजाले में ही अवैध कोयला का कारोबार कर रहे हैं और वहीं पर बीच रास्ते में ही गांव के साइड इलाके में ही जो बीच रास्ता है वहां पे ट्रक को खड़ा किया गया है। सारे जो जो कोयला लेकर के लोग आते हैं वो वहां पर एक चार दीवारी ईटा से चार दीवारी कर दिया गया है ताकि वहां तक दिखे नहीं किसी को, गेट भी लगा दिया ताकि कोई अंदर प्रवेश ना करे अनजान लोग, वहां पर कोयला का वहां पर जमाखोरी होती है। उसके बाद जो है कि दिन के उजाले में ट्रक में उसे लोड करके फिर जो है कि दिन के उजाले में उसको निकाल कर खपाया जाता है। सवाल सीआईएसएफ के ऊपर भी खड़ा होती है क्योंकि कोयला जो है बीसीसीएल के एरिया से आता है और बीसीसीएल कोयले की देखरेख करके लिए सीआईएसएफ को नियुक्त कर रखा है, उनको उसके अवज में सुरक्षा का जवाबदेही है, लेकिन कहीं ना कहीं सीआईएसएफ और जो माइनिंग इंस्पेक्टर है इनकी भूमिका जो है संदिग्ध है और संदिग्ध इसलिए है क्योंकि ये लोग जो है अच्छा खासा मोटी रकम लेकर के सरकारी कह सकते हैं कि जो झारखंड की जो संपत्ति है उस पे लूट मचवा रखी है। जी विकास, हमने बेकार की उम्मीद की थी 30 अगस्त को जब हमने खबर दिखाई थी तो बेकार उम्मीद की थी कि इन पर कार्रवाई होगी। जब तहकीकात किया गया तो यह बात सामने आया कि दिलीप चौधरी जो है जो इस खेल के मास्टरमाइंड है वो राजनीतिक दल से भी जुड़े हुए हैं और उनकी पत्नी जिप सदस्य भी हैं। अब ऐसे में ये रसूखदार लोगों पर कार्रवाई हो जाए ये तो हमें मुश्किल लगता है धनबाद में। देखिए आयुष, हमने पहले भी कहा था कि ये रसूखदार लोग हैं और लोग इससे जो आसपास के लोग हैं इनसे खौफ खाते हैं। अगर हम माइनिंग इंस्पेक्टर की बात करें तो सुनिए आपको हम बताते हैं कहानी। वहां के जो स्थानीय लोग हैं बाकायदे जब वहां पे गाड़ी लगती है, जब अवैध कोयला का जमाखोरी होती है तो वहां के लोग हिम्मत करके माइनिंग इंस्पेक्टर को कॉल भी करते हैं, उनको सूचना भी देते हैं कि इस जगह पे बाकायदे लोकेशन भी भेजा जाता है और उनको ये बताया जाता है कि इस जगह पे अवैध कोयला का जमाखोरी हो रही है, ट्रक लग चुकी है, ये ट्रक का नंबर है, लोडिंग शुरू हो गया है, अभी तक आधा लोड हुई है, पूरा लोड हो गई है, पल पल का अपडेट माइनिंग इंस्पेक्टर को राहुल कुमार को साथ हमारे साथ बने रहिएगा। कुछ और जानकारी है जो हम अपने दर्शकों के साथ साझा करेंगे। हमने आपको बताया था कि अगली कड़ी में इस काले कारोबार के और तह तक हम जाएंगे, तो हमने तहकीकात शुरू की। इस अवैध कारोबार की काम में खतरा है लेकिन हम भी डरने वाले नहीं है। हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से यहां कोयला गिराया जाता है और फिर उसे दिन दहाड़े बिना किसी के डर के ट्रक में लादा जाता है। ट्रक को बीच सड़क पर लगाकर रास्ता भी जाम कर दिया जाता है और फिर रास्ता खाली करने के लिए बोलने पर गुर्गे स्थानीय लोगों को धमकी देते हैं। यह सारी तस्वीर बड़ा पिछड़ी में चल रहे बंटी सिंह, दिलीप चौधरी और विशाल चौधरी के डिपो के जरिए होने वाले अवैध कोयले के कारोबार की है। यहां दिन हो या रात हर समय मोटरसाइकिल और मोटरसाइकिल के जरिए अवैध कोयला गिराया जाता है जिसे डिपो में जमा करने के बाद ट्रकों में लाद कर अन्य प्रदेशों में भेजा जाता है। तस्वीरें देखिए, तस्वीरें आप देखिए किस तरह से दिन दहाड़े एक ट्रक को बीच सड़क पर खड़ा कर दिया गया है। आसपास में कोयले लदे साइकिल मोटरसाइकिल खड़े हैं। अब इन कोयलों को इस ट्रक पर लादा जाएगा और बिना किसी के खौफ के, ना माइनिंग इंस्पेक्टर का खौफ है ना सीआईएसएफ का खौफ है क्योंकि लोग रसूखदार हैं। हमने आपको पहले भी बताया, बकायदा गाड़ी का नंबर देखिए UP50CT1669, यह वही ट्रक है जो बीच सड़क पर खड़ा कर दिया जाता है और दिन दहाड़े बिना किसी के खौफ के, बिना जनता के फिक्र के कि आखिरकार सड़क से लोग आएंगे जाएंगे तो उन्हें परेशानी होगी, लेकिन इन्हें किसी बात की चिंता नहीं है। अगर स्थानीय विरोध करते हैं तो उन्हें ही धमकी देते हैं। कई गुर्गों को इन्होंने पाल रखा है। यह है बंटी सिंह, ये विशाल चौधरी और दिलीप चौधरी।
इन्होंने जिस तरह से इस काले खेल को अंजाम दिया और लगातार देते ही जा रहे हैं, क्योंकि इन्हें किसी का खौफ नहीं है। माइनिंग इंस्पेक्टर को ये पैसे पहुंचाते हैं, और हमने जब पिछली बार खबर दिखाई थी तो सूत्रों के हवाले से एक खबर निकल कर आई है कि माइनिंग इंस्पेक्टर महोदय ने इन्हें एक वार्निंग दिया कि देखिए मीडिया खबर चला रही है, ऐसे मैनेज नहीं होगा, कुछ और मलाई बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है भाई, अब जनता परेशान हो रही है तो इन्हें क्या मतलब है, राजस्व का नुकसान हो रहा है तो इन्हें क्या मतलब है, ये सरकारी अधिकारी हैं, ये अपने पेट भर रहे हैं, अपने पॉकेट भर रहे हैं। आप देखिए उनके डिपो की एक्सक्लूसिव तस्वीरें, बंटी सिंह, दिलीप चौधरी और विशाल चौधरी के डिपो की एक्सक्लूसिव तस्वीरें है ये। पहले ये रास्ते को देखिए, इस रास्ते में लगातार साइकिल मोटरसाइकिल चल रही है और कोयले कहां पहुंचाए जा रहे हैं, डिपो में। डिपो से क्या होगा, इस कोयले को लादा जाएगा ट्रक में और ट्रक से बिना किसी के खौफ के बॉर्डर पार कराए जाएंगे और अन्य प्रदेशों में भेजा जाएगा। यही खेल चल रहा है और इस खेल के मास्टरमाइंड है बंटी सिंह, विशाल चौधरी और दिलीप चौधरी, जिन्हें चिंता करनी थी, जिन्हें कार्रवाई करनी थी, वो पता नहीं कौन सा घी पीकर सो रहे हैं, ये वही जाने। हमारे साथ हमारे सहयोगी विकास लगातार बने हुए हैं। विकास, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हमने अपने दर्शकों को दिखाई है, जैसा वादा किया था कि इस खबर के तह तक जाएंगे, हम तह तक गए, बिना किसी के खौफ के, बिना किसी के डर के हमने सच्चाई दिखाई, और इस बार जो तस्वीरें थी वो जनता को चिंता में डाल देगी, क्योंकि ट्रक को बीच सड़क पर खड़ा करके उस पर कोयला लादा जाता है, किसी बात की चिंता नहीं है। विकास, बिल्कुल, देखिए आयुष, इन लोगों को किसी बात की खौफ नहीं है, क्योंकि जहां से जो इलाका शुरू होता है बड़ा पिछड़ी का, वहां से सिंगल रास्ता है गांव में घुसने की। वहां से जब गांव में लोग प्रवेश करते हैं तो वहां के आसपास के लोग ये भी नहीं पूछते हैं कि भाई इधर क्यों जा रहे हो, कोयला लेकर के कहां जा रहे हो, क्यों वहां पे जा रहे हो। हम लोगों को परेशानी होती है, और अब जब हम लोग वहां पर तहकीकात करने गए थे कि आखिर सच्चाई क्या है, वाकई में वहां पर बड़ा पिछड़ी में क्या इतना बड़े पैमाने पर अवैध कोयला का कारोबार होता है, तो वहां पर पता चला कि लोग भी वहां उनसे परेशान है, क्योंकि जो लोग है उनका रास्ता कैप्चर हो जाता है, कोई वाहन जाने वाला रहती है, किसी को अगर वहां पे उस रास्ते से गुजरना है तो मतलब किसी का नहीं सुनते। जैसा कि हमने तस्वीरों में भी देखा है कि जब हम वहां पहुंचे थे ट्रक के पास, और ट्रक के बगल में ही साइकिल गिरी हुई थी कोयला से लदे हुए, जब हम लोगों ने हॉर्न बजाया गाड़ी का हटाने के लिए कहा, तो उन लोगों ने उनके गुर्गे जो है वहां पे धमकी देने लगे और साथ ही साथ उन लोगों कहने लगे कि वापस चले जाइए, कौन है, इधर क्यों आए हैं। मतलब आप समझ सकते हैं कि जो कोई अनजान व्यक्ति, अगर मानिए कोई अगर दूर के रिश्तेदार हो और उनको वहां जाना हो, अगर वो अनजान है, उनको कोई नहीं देखा है, तो शायद उसके गुर्गे उनको पीट भी देंगे कि आप इधर क्यों आए हैं, क्योंकि वहां पर सिर्फ इन्हीं तीनों का सिक्का चलता है, और सिक्का भी ऐसा कि कोई भी अनजान व्यक्ति वहां जाने से डरे। कारण सिर्फ एक है कि वहां पर किसी भी कीमत पर अवैध कोयला का कारोबार को नहीं रुकने देंगे, और इसके लिए चाहे कुछ भी हो जाए, और चलना भी चल भी रहा है, और चल इसलिए रहा है क्योंकि जो माइनिंग इंस्पेक्टर राहुल कुमार है वो पूरी तरह से घी पी रहे हैं कंबल ओढ़ करके, जो सीआईएसएफ है उनको कोई कुछ नजर ही नहीं आ रहा है, जबकि उन्हीं के क्षेत्र से कोयला निकलता है। आपको हम बता दे, या जो कोयला है आयुष, 3 से 3.5 रुपया किलो जो लेकर के लोग जाते हैं, वो प्रति किलो के हिसाब से वहां पर बेचते हैं। अब उसी कोयले को खरीद करके वहां पे काटा रखा हुआ रहता है, बकायदे काटा में तराजू में तोला जाता है, काटा होने के बाद कोयला को डंप किया जाता है एक जगह पे, डंप करने के बाद जो है कि उन लोगों को जो पेमेंट की जाती है, पेमेंट करने के बाद जैसे जैसे एक दंगल और रहता है, मजदूरों का एक दंगल रहता है जो उस कोयले को ट्रक में लोड करता है, बकायदे बांस का सीढ़ी बना करके उस पर लोड किया जाता है, और उसी उसके बाद जैसे ट्रक पूरी हो जाती है उसको बखूबे त्रिपाल से उसको ढक दिया जाता है, और ढकने के बाद मतलब उस ट्रक को ऐसा बना देते हैं कि लोग नहीं जानते हैं कि मतलब समझ ही नहीं पाएगा कि उसमें लोड आखिर क्या है। अगर मानिए जरा सा भी भनक अगर पुलिस को लग भी गई, अगर बॉर्डर सिक्योरिटी को लग भी गई, अगर सीआईएसएफ को लग गई, या फिर माइनिंग विभाग को सूचना भी आ जाती है कि वहां पे गाड़ी लोड हो रही है, तो और वे लोग पकड़ने के वजह उनको इंतिला कर देता है कि जितना जल्दी हो सके गाड़ी वहां से हटा दो, हमें इन्फॉर्मेशन आ रही है, लोग हमें शिकायत कर रहे हैं, आप जल्दी से जल्दी वहां से हटा दो। ये स्थिति बन गई है बड़ी पिछड़ी की, और इन लोगों का जो रसूख है वहां पर कि इतना कहने के बाद भी जब कोई कार्रवाई नहीं हुई, तब जाकर के लोग अब वहां पे शांत बैठ गए, और उन लोगों ने साफ तौर से अब कह रहे हैं कि अब करने अब क्या करे, जितना करना था, जिनको शिकायत करनी थी, अब वो कार्रवाई करने के बजाय उनको बचा रहे हैं। तो ऐसे में सवाल खड़ा होता है आयुष कि आखिर जनता जाए तो जाए किसके पास, जिनके ऊपर बचाने की जिम्मेवारी है वो खुद कोयला चोरी करा रहे हैं, जनता किसके पास जाएगी। ये बंटी सिंह, विशाल चौधरी और दिलीप चौधरी, इन्होंने तो
एक तरह से कह लीजिए कि अपना एक सराउंडिंग बना लिया है, अपना सेफ जोन बना लिया कि लोगों को चिन्हित कर लिया, अधिकारियों को चिन्हित कर लिया, इन्हें अपने पाले में ले आओ और जो धंधा करना है करो, इन्होंने वही किया है। और हम तो सीधा बात करना चाहेंगे प्रशासन से, हम सीधा बात करना चाहेंगे खनन विभाग से और CISF से। आप देख लीजिए, आप एक तो मोटी तनख्वाह उठाते हैं, टैक्स पेयर्स के पैसों से आपको तनख्वाह मिलती है, और परेशान कौन है? वही टैक्स पेयर्स, वही जनता परेशान है। राजस्व का नुकसान किसको हो रहा है? सरकार को हो रहा है। उसके कारण परेशानी किसके बढ़ेगी? आम जनता की बढ़ेगी। लेकिन आपको क्या फर्क पड़ता है? आपको उस मोटी तनख्वाह से आपका पेट तो भरता नहीं है। आपको चाहिए मलाई, मलाई राहुल कुमार जैसे माइनिंग इंस्पेक्टर को चाहिए, ताकि उनका पेट चलता रहे, भले ही राजस्व का नुकसान हो, जनता को परेशानी हो, गुंडागर्दी चलती रहे। CISF भी कहीं ना कहीं सोई हुई ही नजर आ रही है, क्योंकि अभी तक तो कोई एक्शन देखने को मिला नहीं है। विकास, बिल्कुल, देखिए इन सबों के साथ साथ आपको बता दें आयुष की टास्क फोर्स की भी गठन की गई थी, और गोविंदपुर के जो अंचल अधिकारी हैं वो भी इसमें शामिल आते हैं टास्क फोर्स में, कि कहीं भी अगर अवैध कोयला का कार्य चल रहा हो तो वो भी जाकर के उस पर अंकुश लगा सकते हैं, छापेमारी कर सकते हैं। लेकिन उनकी उनकी भी मेहरबानी इनके ऊपर है, इन साहब का भी आशीर्वाद इन तीनों पर बरस रहे हैं, और इसकी इसी के वजह से जब जब लोग जो आवाज उठाते हैं, जैसा कि मैंने कहा कि जो जनता है वो कह रही है कि आखिर शिकायत करे तो करे किससे, क्योंकि यहाँ पर जिनके ऊपर कोयला चोरी कर कोयला की छापेमारी करने की है, कोयला को बचाने की है, वही जो है कह सकते हैं कि छापे कोयला चोरी करवा रहे, वो चाहे खनन विभाग के अधिकारी हो या फिर अंचल अधिकारी हो। उसका जिक्र किया, हम भी बात कर रहे थे ऑफ द कैमरा, कई लोगों से हमने बातचीत की इस कोयला के बारे में, तो कहते हैं कि टास्क फोर्स में ही कुछ लोग ऐसे शामिल होते हैं जो ये कोयला तस्करों को, कोयले के काला खेल खेलने वालों को फोन कर कर बता देते हैं कि भैया छापेमारी होने जा रही है, अपने आप को बचा लीजिए, कोयला बचा लीजिए। अब छापेमारी होगी, उससे पहले कुछ घंटे पहले ही उन्हें इंफॉर्मेशन मिल जाता है कि अपना जो है माल ये साफ कर लेते हैं। टास्क फोर्स पहुँचती है, कहती है कि कार्रवाई किए हैं, कुछ टन कोयला बरामद हुआ, कुछ टन जैसे 2 टन 4 टन कोयला ये जब्त कर लेते हैं और उसे पता नहीं कहाँ रखते हैं, ये खुद ही जाने। उसके बाद भी कोई पकड़ा नहीं जाता है, सिर्फ कुछ टन कोयले जब्त होते हैं, कोई पकड़ा नहीं जाता है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन तो पहले ही मिल गई होती है। विकास, देखिए आयुष, इस पूरे मसला को हम समझाते हैं। होती क्या है कि जब कभी ट्रक लोड हो रही हो और इसकी जानकारी जब सिंडिकेट को मिल जाता है कि आपके यहाँ छापेमारी होने वाली है, अपने आप को बचा लीजिए, अगर गाड़ी लगा हुआ है तो उसको हटा लीजिए, तो जैसे ही ये इन्फॉर्मेशन सिंडिकेट के वाले सिंडिकेट के लोगों को मिलता है, सिंडिकेट के लोग क्या करते हैं कि जो मजदूरों को कोयला लोड करने के लिए लाते हैं, उसी मजदूरों को डिपो से कोयला को थोड़ी दूर के जंगलों में छुपा दिया जाता है। ट्रक जो रहती है, जितना लोड हुआ सो हुआ, उतना ही ट्रक में उसको हटा दिया जाता है। जगह जो है वहां पर सिर्फ कुछ कोयले बच जाते हैं, जब तक अधिकारी वहां पहुंचते हैं जब तक कुछ कोयले ही बचते हैं, वहां पे कुछ टन ही कोयले बचते हैं। होता है आखिरकार क्या कि जिसका जमीन है उस पर FIR दर्ज होता है, कि ये जमीन अगर सरकारी जमीन है तो वो भी खत्म हो जाती है, अगर मानिए किसी रैयत का जमीन है तो उस रैयत पर केस हो जाता है। मतलब कि कह सकते हैं कि जो कारोबारी हैं, जो अवैध कोयला का काम कर रहे हैं, वो तो साफ तरीके से बच जाते हैं। कुल मिलाकर कुल जमा पूरी बातों का ये है, जब टास्क फोर्स की टीम वहां से निकलती है, कुल जमा इस पूरे बातों का यह है कि बंटी सिंह हो, दिलीप चौधरी हो, विशाल चौधरी हो, ये हमेशा बचकर निकलते रहेंगे, क्योंकि अब हमें उम्मीद नहीं लग रही है। पिछली बार जो हमने खबरें दिखाई थी, तस्वीरें दिखाई थी, तो हम ये उम्मीद लग रहा था कि चलो कुछ कार्रवाई होगी, लेकिन अब जब इस पूरे सिंडिकेट को हमने समझा है तो अब लग नहीं रहा है कि इन पर कार्रवाई होगी। ऐसे ही धनबाद लुटता जाएगा, कोयले लुटते जाएंगे। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद विकास। अब तो ना उम्मीदी दिख रही है, क्यों? क्योंकि धड़ल्ले से कारोबार चल रहा है, एक एक कर परत दर परत अलग अलग सरकारी अधिकारी के नाम सामने आ रहे हैं, और अलग अलग विभाग के लोग इसमें सब इस धंधे में जुड़े हुए हैं। क्योंकि देखिए, कोयला तस्कर कितने भी मजबूत हो जाए, बिना सरकारी अधिकारियों के मदद के ये काम नहीं कर सकते हैं। टास्क फोर्स अलग पैसा कमाने में लगा है, खनन इंस्पेक्टर अलग पैसा कमाने में लगे हैं, CISF का तो क्या ही कहा जाए, वो तो कहाँ सोए हैं ये उन्हें ही पता है। लेकिन इसमें अमीर कौन हो रहा है, इसमें राजा कौन बन रहा है, इसमें माल कौन कमा रहा है? बंटी सिंह जैसे लोग, विशाल चौधरी जैसे लोग और दिलीप चौधरी जैसे लोग। हाँ, थोड़ी बहुत मलाई राहुल कुमार जैसे माइनिंग इंस्पेक्टर भी खा रहे हैं। अब देखना यही है कि आखिरकार ये कब रुकता है, और रुकता भी है या नहीं, ये तो अधिकारी जाने, माइनिंग इंस्पेक्टर जैसे लोग जाने। लेकिन इतना है
कि धनबाद लूट रहा है और पिस रही है यहाँ की जनता। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। देश दुनिया और राज्य की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए TV45। नमस्कार।